तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें डेडपूल को दिखाया जाता है जो कि एक टैक्सी में कहीं जा रहा होता है। फिर डेडपूल पीछे वाली सीट पर बोर होने लगता है, इसीलिए वो फ्रंट की सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ जाता है जिसका नाम डोपिंदर है और वो एक इंडियन है। डोपिंदर उसे पूछता है तुमने सांता क्लॉस जैसे लाल कपड़े क्यों पहने हैं, तो डेडपूल कहता है क्योंकि मुझे किसी से बदला लेना है जिसके लिए मैंने पूरे 1 साल 3 हफ्ते 4 दिन और 14 मिनट वेट किया है। डोपिंदर उसे पूछता है उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, तो डेडपूल अपने मास्क हटाता है और उसे अपना फेस दिखाता है जो कि पूरी तरह से जला हुआ था और वो दिखने में किसी डरावने पिशाच से कम नहीं लग रहा था। फिर डेडपूल को याद आता है कि वो अपना हथियारों से भरा बैग, लेकिन वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि अगर वो वापस गया तो उसका दुश्मन जिसका नाम फ्रांसिस है वो उसके हाथ से निकल जाता। डेडपूल देखता है कि उसके पास एक गन अभी भी है जिसमें 12 बुलेट्स बचे थे, जिसके बाद वो टैक्सी से उतरकर अपने दुश्मन फ्रांसिस का वेट करने लगता है। कुछ ही देर बाद वहाँ फ्रांसिस की कार आती है और डेडपूल उसके ऊपर जंप मार देता है और अब वो एक एक करके फ्रांसिस के सारे आदमियों को धोना शुरू कर देता है। डेडपूल उसे कहता है दोस्तों मेरे पास सिर्फ 12 बुलेट है, इसे तुम लोगों को मिल बांट कर खाना होगा। यहाँ पर डेडपूल लिमिटेड बुलेट से बहुत से लोगों को मार देता है और बदले में फ्रांसिस के लोग भी उसके ऊपर खूब गोलियां चलाते हैं जिनमें से एक बुलेट डेडपूल के आर पार हो जाती है, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर है। अगर उसे चोट लगती है तो वो अपने आप रिकवर कर जाता है। सभी को मारने के बाद डेडपूल फ्रांसिस को ढूंढता है और अब वो उसे मिल भी जाता है, जिसके बाद वो अपनी तलवार उसके सीने के आर पार करके अपने मास्क को हटाता है और उसे पूछता है फ्रांसिस क्या तुझे ये फेस याद है। फ्रांसिस कहता है वेड तुम, दरअसल डेडपूल का असली नाम वेड है। फिर वो उसे कहता है तुमने जो मेरा चेहरे का ये हाल किया है उसे सुधारने का वक्त आ गया है। इससे पहले कि वो फ्रांसिस से कुछ पूछ पाता या उसे मारता, पीछे से कोलोसस आ जाता है और उसके साथ साथ उसकी पार्टनर नेगासोनिक भी वहाँ आती है। ये दोनों डेडपूल की तरह ही एक म्यूटेंट थे, लेकिन ये अच्छे वाले म्यूटेंट थे और ये दुनिया को बचाने का काम क्या करते थे। कोलोसस के पास ऐसी पावर है कि वो अपने बॉडी को ऑर्गेनिक स्टील में बदल सकता है। फिर कोलोसस डेडपूल को उठाकर फेंक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेडपूल की ताकत दुनिया वालों के सामने आए। दरअसल वो डेडपूल का ही दोस्त था, इसीलिए वो उसे समझाता है कि किसी को जान से मार देना ही हर मसले का हल नहीं होता और वो उसे बहुत समझाता है। और फिर कोलोसस और नेगासोनिक डेडपूल को अपने साथ काम करने के लिए कहते हैं, मगर डेडपूल उसे साफ मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी के भी अंडर काम करे। वो तीनों आपस में बात कर ही रहे थे जिसका फायदा उठाकर फ्रांसिस वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से डेडपूल को कोलोसस पे गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारे वजह से कमीना बच निकला, इसीलिए वो कोलोसस को एक पंच मारता है, लेकिन वो तो स्टील का था इसीलिए उसके हाथ ही टूट जाते हैं। इसके बाद डेडपूल उसे किक भी मारता है लेकिन फिर उसका पैर भी टूट जाता है। वहीं खड़ी नेगासोनिक ये सब देखकर खूब हंसती है और फिर कोलोसस उसे एक हथकड़ी पहनाकर अपने टीम में शामिल करने के लिए ले जाने लगता है, जिसके बाद डेडपूल अपनी तलवार निकालकर अपने हाथ को ही काट कर अलग कर देता है और वहाँ से कचरे के ट्रक में कूदकर भाग जाता है। तो ट्रक ड्राइवर से कहता है सॉरी मुझे माफ करना, मेरे खून की वजह से आपका पूरा कचरा गंदा हो गया। दोस्तों वैसे अब तक आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि फ्रांसिस ने डेडपूल के फेस का ये हाल क्यों किया, इसे जानने के लिए चलिए मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाता हूँ। दरअसल डेडपूल यानी कि वेड पहले एक आम इंसान हुआ करता था। आर्मी से रिटायर होने के बाद वो लोगों से पैसे लेकर उनके लिए सेफ्टी का काम करता था। फिर एक रात वेड अपना काम खत्म करके एक क्लब में जाता है जिसका ओनर उसका ही दोस्त था। वो उससे बातें कर रहा होता है तभी उससे मिलने वैनिसा नाम की एक प्रोस्टिट्यूट आती है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं, फिर वैनिसा वेड को फिजिकल होने का ऑफर करती है लेकिन बदले में उसे खूब सारा पैसा चाहिए था। वेड उसे लेकर कमरे में चला जाता है जहाँ पर वो दोनों साथ में रात बिताते हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे, इतने क्लोज कि एक दिन वेड वैनिसा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वो मान जाती है क्योंकि इतने दिनों में वो उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। वेड और वैनिसा इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक दूसरे के क्लोज आते हैं और तभी वेड को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वैनिसा वेड को हॉस्पिटल ले जाती है और उसका चेकअप करवाती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि वेड को कैंसर है। ये सुनकर वैनिसा काफी दुखी हो जाती है, वो डॉक्टर से उसके इलाज के बारे में बात कर
रही थी, पर वेट को पता था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और वो बस वेनिसा को देखता रहता है। घर आने के बाद वेनिसा उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम साथ हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वेट कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम बस हमारी अच्छी यादों को अपने साथ रखो, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। पर वेनिसा उसकी कोई बात नहीं मानती, जिसके बाद वेट अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि एक सूट बूट पहने हुए शख्स कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके, इसीलिए वेट उस आदमी से मिलने चला जाता है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे कैंसर की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, साथ ही तुम्हारे अंदर सुपर पावर्स भी आ जाएगी और तुम हमेशा के लिए इमोर्टल हो जाओगे। लेकिन वेट उसे ये कहकर मना कर देता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर घर आने के बाद वो इस बारे में बहुत सोचता है और फाइनली आधी रात को ही उस आदमी से मिलने निकल जाता है। वो आदमी वेट को एक ऐसे लैब में ले जाता है जहाँ इंसानों पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, इसीलिए वो लोग वेट को भी स्ट्रेचर पर लेटा कर उसके हाथ पैर को बांध देते हैं और उसके मुंह को भी बंद कर देते हैं ताकि वो शोर ना कर सके। वेट को ये सब देखकर काफी वियर्ड लग रहा था कि आखिर ये लोग करने क्या वाले हैं। और फिर तभी वहाँ पर फ्रांसिस आता है, जिसे वेट ने मूवी की शुरुआत में मारने की कोशिश की थी। फ्रांसिस वेट को एक इंजेक्शन लगाता है और उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगती है। फिर वो वेट से कहता है, हम लोग कोई भी गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते, यहाँ तुम जैसे लोगों को सुपर पावर दी जाती है, हम तुम्हारे शरीर के अंदर म्यूटेंट जीन्स को इंजेक्ट करेंगे जिससे कि तुम्हारा कैंसर खत्म हो जाएगा और तुम्हारे अंदर बहुत सी सुपर पावर्स भी आ जाएगी। पर ये इंजेक्शन हर किसी की बॉडी में काम नहीं करता, कभी कभी हमारे एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें तुम्हारे शरीर को बहुत दर्द देना होगा, इसीलिए फ्रांसिस उसे बहुत मारता है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी देता है, साथ ही साथ उसे बर्फ से भरे बॉक्स में बंद करके छोड़ देता है ताकि उसके बॉडी में कोई चेंजेस आए, पर ऐसा नहीं होता। फिर वो लोग वेट को बांध देते हैं, जहां वेट उसके पास लेटे हुए पेशेंट से बातें कर रहा था, तभी फ्रांसिस वहां आता है और वेट को एक ग्लास कंटेनर में बंद कर देता है। फ्रांसिस कहता है कि ये एक वैक्यूम चेंबर है, इसमें तुम्हें बिल्कुल भी सांस नहीं आएगी और तुम मरने ही वाले होगे, तभी हम इसके अंदर थोड़ी सी ऑक्सीजन छोड़ देंगे जिसे सिर्फ तुम्हारा हार्ट वर्क करेगा और फिर तुम्हें उसी कम ऑक्सीजन में छोड़ दिया जाएगा, इससे या तो तुम म्यूटेंट बन जाओगे या फिर मारे जाओगे। अब जैसे ही कंटेनर से हवा बाहर निकाली जाती है, वेट की सांस फूलने लगती है और ऑक्सीजन ना होने की वजह से उसका स्किन तेजी से डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके स्किन को जला दिया है। बेचारा वेट उस वैक्यूम में बिना ऑक्सीजन के बहुत ही बुरी तरह से तड़प रहा था, पर उस कमीने फ्रांसिस को उस पे थोड़ी सी भी रहम नहीं आती। फिर वेट जैसे ही मरने वाला होता है, फ्रांसिस की असिस्टेंट एंजल वहाँ आती है और उस वैक्यूम में थोड़ा सा ऑक्सीजन डाल देती है। दरअसल एंजल भी एक म्यूटेंट ही थी जिसके अंदर स्पीड की पावर है। फिर जब एंजल वेट के करीब उसे दर्द देने जाती है, तो वेट उससे एक माचिस की तीली चुरा लेता है और रात होते ही उस लैब में आग लगा देता है। लेकिन वैक्यूम में होने की वजह से वेट को कुछ नहीं होता, क्योंकि आग लगाने के लिए ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है। आग लगते ही फ्रांसिस फौरन वहाँ से भाग कर आता है और वो देखता है कि वेट अब एक म्यूटेंट बन चुका है, जिसके बाद वेट फ्रांसिस पे हमला कर देता है। पर फ्रांसिस भी बहुत ताकतवर था क्योंकि वो खुद एक म्यूटेंट था। वो वेट के बॉडी एक रॉड से स्टैब कर देता है और उसे उसी जलते हुए लैब में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन वेट उस जले हुए लैब के एसेस में से बाहर निकलता है, क्योंकि म्यूटेंट बनने के बाद वो मरा नहीं था। वेट को ऐसा लगता है कि उसके कैंसर के साथ साथ उसके बॉडी में अब सब कुछ ठीक हो चुका है, इसीलिए अगली सुबह वेट फुल स्वैग में अपनी गर्लफ्रेंड वेनिसा से मिलने के लिए चला जाता है। वो उसे फॉलो कर ही रहा था कि तभी वहाँ आ जा रहे सभी लोग वेट को देखकर डरने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा अगली लग रहा था। सभी को हंसते हुए देखकर जब वेट अपने फेस को शीशे में देखता है, तो उसे पता चलता है कि उसका फेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इसीलिए वो वेनिसा से मिले बगैर वहाँ से चला जाता है। वेट वहाँ से सीधे बार में अपने दोस्त से मिलने जाता है और उसे सारी बात बताता है कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ। उसका दोस्त कहता है कि तुम जितने भी बदसूरत दिखो, वेनिसा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। पर
जैसे ही वेड उसे अपना चेहरा दिखाता है तो उसका दोस्त भी उसे देखकर दंग रह जाता है। वेड बताता है कि फ्रांसिस मेरे फेस को वापस से ठीक कर सकता है, पर वो कमीना कहीं भाग गया है। उसका दोस्त बोलता है कि फ्रांसिस सोच रहा होगा कि तुम मर चुके हो, पर तुम्हें ही उसे ढूंढकर वापस अपने फेस को ठीक कराना होगा। वेड कहता है कि ठीक है, पर मुझे मेरा नाम बदलना होगा। और फिर वो दोनों मिलकर एक नाम डिसाइड करते हैं, डेडपूल। नेक्स्ट सीन में डेडपूल अपने लिए एक सुपर हीरो सूट तैयार कर रहा था ताकि वो अपने फेस को कवर कर सके, और उसके साथ साथ वो फ्रांसिस को भी ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसे उसका कोई पता नहीं चलता तो वो फ्रांसिस के लोगों को ढूंढकर उससे बस एक ही सवाल पूछता है कि फ्रांसिस कहाँ है। और उन लोगों के जवाब नहीं देने पर डेडपूल सभी को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया करता था। फिर एक दिन जब डेडपूल लॉन्ड्री में अपने व्हाइट सूट धो रहा था तभी एक लेडी उसे कहती है कि इस पे रोज ब्लड लगाकर आने से तो अच्छा है कि तुम एक लाल सूट ही बना लो जिसमें खून के दाग नहीं दिखेंगे। डेडपूल को उस लेडी का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और फाइनली डेडपूल अपने लिए एक रेड सूट बना लेता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और एक दिन डेडपूल के हाथ, जो डेडपूल से सबसे पहली बार मिलने आया था, और फिर वो उसे मारकर फाइनली फ्रांसिस का पता पूछ लेता है। और इसी के साथ अब कहानी वापस से पहुंच जाती है प्रेजेंट में, जहां पर अब डेडपूल एक अंधी बूढ़ी औरत के साथ रहता था और उसके नए हाथ भी निकल आए थे। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसिस डेडपूल से बच निकलने के बाद सीधे अपने पार्टनर एंजल के पास जाता है। वो उसे बताता है कि मुझे पता चल गया है कि वो लाल सूट वाला शख्स कौन है। वो वही वेड है जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया था। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे इस बार हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अगले सीन में फ्रांसिस डेडपूल का पता पूछने के लिए बार में उसके दोस्त के पास आता है, लेकिन वेड का दोस्त उसे कुछ नहीं बताता। तभी एंजल को वहाँ डेडपूल और उसकी गर्लफ्रेंड वैनेसा की तस्वीर मिल जाती है जिसे लेकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही डेडपूल का दोस्त डेडपूल को कॉल करके बताता है कि तुम्हें ढूंढने के लिए कुछ लोग आए थे और उन्हें वैनेसा के बारे में भी पता चल गया है। जिसके बाद डेडपूल फौरन अपने दोस्त के साथ उस क्लब में जाता है जहाँ वैनेसा काम किया करती थी। वहाँ जाते ही डेडपूल अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वैनेसा के सामने इस शक्ल में जाए, इसीलिए वो बाथरूम में चला जाता है। वहीं वैनेसा का एक दोस्त उसे बताता है कि बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, शायद वो तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड वेड होगा। वैनेसा ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो वेड ही होगा। फिर वो बाहर जाकर देखती है तो फ्रांसिस उसे किडनैप कर लेता है। जब डेडपूल वैनेसा को ढूंढते हुए क्लब से बाहर जाता है तो वहाँ उसे वैनेसा का वॉलेट मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि फ्रांसिस ने उसे किडनैप कर लिया है। इसीलिए वो सैड होकर वापस अपने घर आ जाता है और अपना सारा गुस्सा एक स्टैचू पर निकालता है जिस पर उसका दोस्त उसे कहता है, हाँ हाँ मारो और मारो, अच्छी बात है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, इससे तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। वो दोनों वैनेसा को ढूंढने का प्लान बना ही रहे थे कि तभी उसके फोन पे फ्रांसिस का मैसेज आता है जिसमें ये लिखा था कि अगर वैनेसा को जिंदा देखना चाहते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो। अब जब बात महबूबा की थी तो भला वो रुकता कैसे। वो अपने सारे गन्स को इकट्ठा करता है क्योंकि उसे पता था कि फ्रांसिस के साथ उसके बहुत से लोग होंगे। और तो और डेडपूल कोलोसस और नेगासोनिक को ये कहकर अपने साथ लेकर जाता है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊंगा। अब ये तीनों फ्रांसिस के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, मगर पिछले बार की तरह इस बार भी डेडपूल से एक गलती हो जाती है। वो अपने हथियारों से भरा बैग एक बार फिर से डोपिंदर के टैक्सी में छोड़ आया था, इसीलिए अब उन तीनों को बिना गन के फाइट करनी थी। डेडपूल कोलोसस और नेगासोनिक तीनों के तीनों अंदर जाते हैं ताकि वो लोग फ्रांसिस को मारकर वैनेसा को बचा सके। तभी उन तीनों का रास्ता रोकने एंजल और फ्रांसिस के लोग वहाँ आ जाते हैं। एंजल को रोकने कोलोसस आगे आता है और कहता है, बहन जी अब साइड हट जाइए, मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। लेकिन ये बहन जी तो उल्टा कोलोसस को ही एक पंच मार कर दूर फेंक देती है, जिसके बाद डेडपूल एंजल को मारने नेगासोनिक को भेजता है क्योंकि वो जानता था कि औरत औरत को ही संभाल सकती है। नेगासोनिक अपने म्यूटेंट पावर को दिखाती है जिसमें वो पूरी तरह से आग की तरह जलने लगती है और वो एंजल को उठाकर दूर फेंक देती है, जिस पर डेडपूल कहता है, लगता है इसके साथ रोमांस करने के लिए फायर ब्रिगेड साथ ले जाना होगा। अब यहाँ पर दोनों टीम के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। कोलोसस
एंजल से मुकाबला कर रहा होता है और दूसरी तरफ डेडपूल और नेगासोनिक बाकी के एनिमी से लड़ रहे थे। डेडपूल अपनी तलवार से बहुत सारे एनिमी को अकेले मार गिराता है और कुछ के सर को काट कर वो फुटबॉल की तरह खेलने लगता है। काफी देर फैट होने के बाद नेगासोनिक अपने पावर से आग निकालती है और डेडपूल को वैनेसा के पास भेज देती है, पर फ्रांसिस वहाँ पहले से ही मौजूद था और वो वैनेसा को उसी वैक्यूम चेंबर में बंद कर देता है जिसमें उसने डेडपूल को बंद किया था। वैनेसा की जान बचाने के लिए डेडपूल और फ्रांसिस के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहां डेडपूल उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। वहीं दूसरी तरफ एंजल कोलोसस का एक मोटी रस्सी से गला घोट रही थी और तभी नेगासोनिक वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है जिस वजह से वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर नेगासोनिक और कोलोसस वैनेसा को उस वैक्यूम से बाहर निकालती है और दूसरी तरफ डेडपूल और फ्रांसिस के बीच फाइनल फाइट चल रही होती है। डेडपूल फ्रांसिस को मार मार कर बहुत ही बुरा हाल कर देता है और एक गन निकाल कर उसके सर पे पॉइंट करते हुए उसे अपने फेस का इलाज के बारे में पूछता है, जिस पर फ्रांसिस उससे कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। फ्रांसिस का ये जवाब सुनकर डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे सूट करके मारने ही वाला था कि तभी कबाब में हड्डी बनने कोलोसस फिर से वहां आ जाता है और डेडपूल से कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो लोगों को माफ करना सीखना चाहिए। वो उसे बहुत बोल बचन देता है, बट भैया डेडपूल तो डेडपूल है, उसे ज्ञान की बातें कहां समझ आती थी। वो फायर करता है और फ्रांसिस की वहीं पर डेथ हो जाती है। मूवी के एंड में जब वैनेसा डेडपूल को देखने के लिए उसका मास्क हटाती है तो वो देखती है कि उसका फेस पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब वो पहले जैसा हैंडसम वेट नहीं रहा, मगर प्यार तो अंधा होता है, इसीलिए वैनेसा डेडपूल से कहती है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दिखते कैसे हो। और फाइनली वैनेसा डेडपूल को उसी अगले फेस के साथ एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।